हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत ठीक हूँ। आज हम लोग पास में यहाँ पर हमारा पैडी फील्ड है, रिवर क्रॉस करके जाएंगे, वहाँ पर कुछ बनाएंगे। हमारे साथ एक बहुत ही ग्रेट शेफ है। ठीक है गिब्सन, कम हियर, अब इनसे मिलिए। ये है गिब्सन। सब कुछ बनाना आता है, ए टू जेड इनको सब कुछ बनाना आता है। आज ये स्पेशल शेफ हैं, इनवाइट किया है, ये आज ये बनाएंगे। तो फिर चलते हैं। ये हमारे नदी का रास्ता है। पहले वेदर देखिए आप, बहुत अच्छा है। बहुत रोमांटिक वेदर होता है। यस राइट, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है, पैडी फील्ड है वहाँ पर। इसको मणिपुर में तो संग कहते हैं, झोपड़पट्टी का जो रहते हैं, जब आदमी लोग थक जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ पर खाना बनाने के, खेती करने के टाइम में हम वहाँ पर खाना बनाएंगे। ओहो, घास तो बहुत बड़ा बड़ा है। हाँ हो, पार कर लिया हमारा छोटा नदी, प्यारा सा नदी, अमेज़न का जंगल कह रहा है ये। उसको अमेज़न का जंगल लग रहा है। केले का पत्ता काट रहा है ये गिब्सन। बाद में हम लोग इसमें बैठेंगे भी और खाने के काम भी आएगा। घास काफी उग गया है यहाँ पर। तो वो बोल रहा है कि आदमी लोग भी नहीं जाते होंगे शायद। पूरा घास उगा हुआ है यहाँ पर। तो और ये हम अभी आने वाले हैं खुले मैदान में। कितना अच्छा है देखिए सराउंडिंग। पहुंचने वाले हैं हम लोग। यह आ गया पैडी फील्ड। चावल उगाए यहाँ पर, बहुत टेस्टी चावल होता है। पूरा हमने वहाँ पर बनाना है आज का वीडियो।
हर जगह ग्रीन 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 है। ये रहा आज यहां पर बनेगा अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट के बाद थोड़ी देर में ही हम लोग वीडियो बनाएंगे। हमने आज में हम लोग क्या बनाने वाले हैं, हम लोग एक पोक का आइटम बनाने वाले हैं। पास के मार्केट से हमने फ्रेश पोक मीट लिया था। आपने चिकन टिक्का बहुत सुना होगा, फिश टिक्का सुना होगा, बहुत टाइप के टिक्का सुने होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं पोक टिक्का। एक्जैक्टली पोक टिक्का तो नहीं है पर वैसा ही है। ये बहुत टेस्टी बनाते हैं गिब्सन, एक बार इनके हाथ का खाओगे सब कुछ भूल जाओगे। तो थोड़ी देर में हम बनाने वाले हैं वीडियो, तब तक थोड़ा सेटिंग करेंगे ये क्या क्या है। बहुत ही फास्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, आप देखना आपको वीडियो बहुत मज़ा आएगा। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके सब्सक्राइब से मेरा चैनल ग्रो भी होगा, आप वीडियो भी फुल देखना। उसके लिए थैंक यू, पहले से ही थैंक यू बोल रहा हूँ मैं। ये पोक मीट को हम लोग थोड़ा सा बॉईल करेंगे। ये टर्मरिक है, फ्रेश टर्मरिक, गांव का टर्मरिक, ये डालेंगे बॉईल में। हम अभी तंदूर करने के लिए पोक के मीट को, उसके लिए स्टिक काट रहे हैं। ये
ये सोया सॉस का मिक्सचर है, इसमें सब कुछ है, हमने मिक्स किया है। ये बन रहा है हमारा चटनी, फेवरेट चटनी मणिपुर का। इसमें डाल दिया टमाटो हमने। टेस्ट करते हैं कैसा बना होगा। और ये इसके साथ ये है बनाना बियर, होममेड बनाना बियर है, इसको अतिंगबा कहते हैं। इसके साथ तो कॉम्बिनेशन बहुत मज़ा आएगा। यस स्टार्ट। व्हाट इज टी मैंने कहा था नंबर वन शेफ है वर्ल्ड का। बहुत क्रिस्पी, 꽝꽝 먹는들이다. 아.